कैब को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बवाल और आगजनी हुई, लेकिन इस मामले में इलाहाबाद के लोगों ने एक मिसाल कायम की है। इस शहर में विरोध हुआ, जुलूस निकला, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे लोगों को नुकसान हो। आज इलाहाबाद की जनता को इस संयम के लिए प्रशासन और पुलिस अफसरों ने बधाई दी है। आज डीआईजी केपी सिंह ने पुलिस हेडक्वार्टर के लॉन में शहर के बुद्धिजीवियों और मानिंद लोगों के साथ अफसरों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पुलिस अफसरों में एडीजी सुजीत पांडे, एसएसपी सत्यार्थ पंकज अनिरुद्ध, एसपी सिटी ब्रजेश श्रीवास्तव, जबकि प्रशासन की ओर से कमिश्नर आशीष गोयल, डीएम भानु चंद्र गोस्वामी और मेयर अभिलाषा गुप्ता शामिल रहीं। मैं सुबह जब निकला कोतवाली गया और उसके बाद जितने भी करेली गया, जितने भी मोहल्ले में गया, हर एक जगह एक ही बात पे आई, साहब जो भी थोड़ा बहुत गुस्सा है उसका इजहार होगा, पर कहीं कोई गलत काम नहीं होगा। और वह बात इतनी अधिक हम सभी के दिल में बैठ गई थी, डीएम, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, मैं दिल से बताऊं, हम बिल्कुल मुतमइन थे, हम बिल्कुल आशंकित थे ही नहीं कि कहीं कोई बात हो। और इसीलिए इस प्रांगण में हम सब इकट्ठे हुए हैं, आपको धन्यवाद देने के। सभी अफसरों ने इलाहाबाद की जनता की काफी तारीफ की और कहा कि ऐसे माहौल में इलाहाबाद की जनता ने दुनिया को बता दिया कि ये शहर वाकई में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ संगम है और हम मिलकर रहने के लिए इस टाइम इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। जैसा कि अभी अमरेंद्र नाथ जी ने बताया कि चर्च चर्चा बहस मुबाहिसा कोर्ट में उसका पक्ष विपक्ष ये सब चलता रहता है, कोई एक निर्णय आता है, उस निर्णय के बाद फिर निर्णय आते हैं, उस निर्णय को बदलने वाले निर्णय आते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पत्थर पर लिखी हुई लकीर, उसके बारे में हर जगह चर्चा की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन चर्चा की गुंजाइश बनती तभी है जब मिल बैठकर बात करने की गुंजाइश बची रहे। अगर हम मिल बैठकर बात करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे तो परिवर्तन या किसी तरह के बहस मुबाहिसे की गुंजाइश बनेगी कैसे? हम तमाम चौराहों पर गए, तमाम लोगों से मिले, मैं और डीएम साहब लगातार मीटिंग करते रहे, हमारे एसपी सिटी एडीएम सिटी मीटिंग करते रहे, हमारे सीओएस डीएम मीटिंग करते रहे, सभी लोगों ने हर लेवल पे मीटिंग की, बैठक की। और आपको आप जितने इस शहर के बारे में जानते होंगे उतना तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इस शहर का जो रूप दिखाई दिया, इस जिले का जो रूप दिखाई दिया, एक से एक लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं, यहाँ सब ठीक रहेगा, और अपनी बातें बताई, जानकारियाँ दी, और एक दूसरे किस्म का भरोसा जो इससे पहले हर बुरे वक्त का भी एक पॉजिटिव पक्ष होता है, और इस बार का पॉजिटिव पक्ष यही था कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम हजरात हमसे मिले जिन्होंने हमें दोबारा एक भरोसा दिया, और वो भरोसा पहले से कहीं बेहतर था। बैठक में डीएम ने ऐलान किया कि जिन लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया उनको जल्द ही सम्मान से नवाजा जाएगा, और जिन्होंने अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह किया उनकी गतिविधियों की जांच कराकर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो एक बात का ख्याल रखता हूँ कि शहर को ऐसे मुश्किल दौर में डालने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पर 10,000-15,000 की भीड़ निकल रही हो और उसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हो, कुछ लोग भड़का रहे हो, ऐसे में समझदारी दिखाने की जरूरत होती है, ऐसे में संयम बरतने की जरूरत होती है। कहीं कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, 10-15,000 की भीड़ में कौन कहाँ गड़बड़ी कर ले जा रहा हो, किसी के संभाल में उसको नहीं रहता है। अपने आप को यह बताने वाले कि मैं इसको लीड कर रहा हूँ, वो भी वैसे में अपना हौसला खो देते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं कि आइए जो है भीड़ को संभाल लें। तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मैं कई बार रिपीट करूँ, ऐसी ही हिम्मत उन लोगों का भी कुछ लोगों ने दिखाई होगी जहाँ गड़बड़ियाँ होंगी, और ये ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ऐसा हुजूम आता है तो हमारे हाथ में रह जाता है या हमारे समझाए समझने की स्थिति में रह जाता है। ठीक है, प्रशासन ने मेहनत की, हम लोगों ने लोगों से वार्तालाप किया, लोगों का विश्वास कायम किया, लोगों ने हमारा विश्वास कायम किया, लेकिन एक अच्छी बात ये भी निकल कर आई
कि कम से कम 300 लोग हमारे वो चिन्हित हो गए जो मुंह पर कुछ और बोल रहे थे और फिर पीछे कुछ और करिए जो बोल रहे थे। और मैं इस शहर को विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि वो लगातार प्रशासन के रडार पर तब तक रहेंगे जब तक वो चल रहे इसका पुख्ता इंतजाम करके आप जाके वो सारे रिकॉर्ड दुरुस्त करके जाएंगे। मैंने पहले भी तमाम लोगों को ये बात वायरल की थी उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यमों से कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बार प्रशासन के सामने आइडेंटिफाई हो जाए वो आजीवन प्रशासन के लिए आइडेंटिफाई करेगा। किसी भी गड़बड़ी के आलम में हम ऐसे ही लोगों के कुछ हाथ कर सकेंगे उनको ही खाकार कर सकेंगे कि इस गड़बड़ी में उनका हाथ है। ऐसे तमाम लोग इस बार भी चिन्हित होकर आए हैं जो इस शहर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं मानता हूँ कि हमेशा ही खराब रहेंगे और स्वास्थ्य बिगाड़ने वालों में उनका नाम दर्ज करना बहुत जरूरी है। और साथ ही जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है प्रशासन को सपोर्ट किया है और प्रशासन से बढ़कर मैं कहूँगा इस शहर को सपोर्ट किया है उनके लिए इस सम्मान का कार्यक्रम हम अलग से रखेंगे ऐसे लोगों के लिए। और हम चाहेंगे कि फिर मिल बैठ करके बात अलग से बैठे ऐसे लोगों में बहुत छोटे नीचे के तबके से लेकर ऊपर तक के लोग जुड़े हुए थे जो इन्होंने शहर को बचाने के लिए अपना जी जान लगाया। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। बैठक में राजनीतिक संगठनों के साथ मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल हुए। अधिकारी हैं हमारे एसपी साहब हैं एसपी साहब हैं।